प्रांत कार्यकारिणी के आह्वान पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांगों को लेकर रैली निकाली, जिसमें 50 के करीब कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तकनीकी विश्वविद्यालय की इकाई सचिव, हम लोगों की विद्यार्थी परिषद वालों की कुछ मांगे हैं तकनीकी विश्वविद्यालय एवं प्रदेश सरकार से, और हम चाहते हैं कि उन मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। हमारी मांगे कुछ इस प्रकार है, हम एक तो अपना मेन कैंपस में शिफ्ट होना चाह रहे हैं जो कि गुरुवी में बन रहा है, हम चाहते हैं कि हम वहाँ जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो जाए। तब से हम अभी भी अपने टेम्परेरी कैंपस बॉयज स्कूल में हमारी अभी भी क्लासेस वहीं लग रही हैं। हम चाह रहे हैं प्रदेश सरकार एवं तकनीकी विश्वविद्यालय से कि हमें जल्दी से जल्दी वहाँ शिफ्ट करें। साथ में हमारे साथ क्या किया जा रहा है, हमारी फीस बहुत ज़्यादा ली जा रही है, हमारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी ज़्यादा हमारी फीस ली जा रही है। हम चाह रहे हैं कि हमारी फीस हमें कम की जाए। हमारे पास ना लाइब्रेरी है, ना हमारे पास इंटरनेट है, ना कोई मेडिकल फैसिलिटीज है, हमारी फिर भी वहाँ से हमारी फीस ली जा रही है उसकी भी। और हम एक यूनिवर्सिटी के छात्र, हम कोई एफिलेटेड कॉलेजेस के छात्र नहीं है, तो हमसे वो जो 3,000 की फीस ली जा रही है वो किस बात की ली जा रही है? हम ये प्रदेश सरकार एवं तकनीकी विश्वविद्यालय से ये जानना चाहते हैं कि वो 3,000 हमारे से किस लिए लिए जा रहे हैं। एक हमारी मांग है कि हमारे जो स्टाफ है, फैकल्टी है, वो एक तो रेगुलर होनी चाहिए और साथ में UGC नेट UGC नॉर्म से फुली फिल्ड हमें फैकल्टी चाहिए, ताकि हमारा जो भी है, हमारे जूनियर का हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। 1,000 रुपए माइग्रेशन फीस ली जा रही है जो कि सरासर गलत है। 10,000 माइग्रेशन फीस किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं ली जाती। बड़ी में कुछ छात्रों की कक्षाएं लग रही हैं, परंतु वहां पे ना ही कोई टॉयलेट की फैसिलिटी है, ना ही कोई ढंग का, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कोई हमारा सिस्टम चला है। वहां पे बच्चे वहां पे खुले में टॉयलेट जा रहे हैं, फिर हम बोलते हैं हमारे स्वच्छ भारत कैसे होगा। इस बार में हम अपना वाइस चांसलर जी से जवाब चाहते हैं।